नमस्कार, मैं हूँ इताशा और आज हम मौजूद हैं आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर में, जो कि हो रहा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है ITPO ने। अच्छा है, अब मैं आहार को देखता हूँ तो आहार बहुत बड़ा होता है। 10 साल पहले आहार एक छोटे से रूप में था, जब से हम इनिशियल लगा रहे हैं आज 1500 से भी लगभग स्टॉल पे है और बहुत सारे इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पर आए हैं और वो सभी इंडियन प्रोडक्ट को ही मांग बढ़ रही है। एंटरप्रेन्योर बहुत ही स्मॉल जर्नी से यंग जनरेशन ने बनाया और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत नाइस, बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि बदलते भारत में। मीनार में लोगों का 90 सालों का विश्वास है, धीरे धीरे मीनार एशिया की बिगेस्ट मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट के साथ साथ आज इसने अपने एक ब्रांड को बना लगाया है और इसी के साथ साथ और ब्राउन स्पाइस लेके आया है और आज मीनार जो है वो सभी और आने वाले टाइम में हम सभी और सभी जनता फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही क्लटर मार्केट थी, जहाँ पर सर्टिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट क्वालिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था, हर बार हर एक ब्लॉक का अलग अलग भाग मिलता था। इन फूड एग्जीबिशन में आने के बाद लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा है, क्वालिटी पर लैब सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करा है और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बायर को ये मजबूती मिलती है कि मैं जिस मार्केट में माल ले रहा हूँ वो सही माल मेरे पास आएगा और थैंक यू। तो इस तरह की फूड एग्जीबिशन भी भारत का फूड लेवल को बढ़ा सकती है और ये इंडस्ट्री ग्रो करेंगी और ये ग्रेटर मार्केट में ऑर्गेनाइज मार्केट में डेवलप होगी।